हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्यू जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, स्टार्ट करें ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। चलिए लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी लोग ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पर बताना है शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। बताइए मनुष्यता क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, प्रणार्थक है, गुणवाचक है या भाववाचक है, कौन सा जवाब बनेगा। तो चलिए जवाब आ चुका है यहाँ पर आपका कौन सा, डी नंबर बिल्कुल सही है। या देखिए मनुष्यता क्या है आपका, तो आपकी भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपका दिया है तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है, तन जो आपका कैसा होगा, पुरलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा, नपुंसक होगा। तो हमने बताया था कैसा और कैसी, तो भाई तन कैसा होता है ना, ये तो बोलोगे ना तन कैसा है, और कैसा है मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, पुरलिंग हो जाएगा। जवाब यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा ठीक है ना। चलिए खुश रहिए भाई, शुभम दीक्षित जी खुश रहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह आपका है। से अलगाव मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका से है वो अलगाव को दर्शा रहा है, और आपने विभक्ति पढ़ा होगा तो वहां पर देखा होगा कौन सा अपादान से आपका होता है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। चलिए बताइए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, सदा एक वचन में जो प्रयोग होता है वो आपका कौन सा होता है। चलिए फोर नंबर आपका जवाब आ रहे हैं, कह रहे ऑप्शन बनेगा सी नंबर। चलिए यहाँ पर देखो एक वचन दिया है भाई, एक वचन दिया है, गलती मत करिएगा, एक वचन दिया है ना, एक वचन दिया है, बहुवचन नहीं दिया, आप लोग गलती कर रहे हो। देखो यहाँ पर दिया आपका एक वचन, और जो एक वचन होता है वो आपको कौन होता है, बी नंबर प्रत्येक। जो प्रत्येक होता है वो किस में होता है, तो आपके एक वचन में होता है, वहीं पर आपका कच्चा है, प्राण है, आंसू है, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं, है ना। कन्फ्यूज हो गए थे ना, चलिए तभी कहते हैं ना स्पीड में जरूर रहो, लेकिन कह सकते हैं कि ध्यान देते रहो ठीक है, क्योंकि सरल प्रश्न कभी कभी होते हैं गलती हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा, फाइव नंबर देना है। चलिए तो फाइव के जवाब आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ के आधार पर होते हैं और आपकी रचना के आधार पर होते हैं ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब बताना है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी भाववाचक संज्ञा में कह रहा है आपसे यहाँ पर मनाही आपको दिया है, खुशी दिया है, और आपका विद्वता दिया है ना, लेकिन जो आपका दिया है कौन सा, ए नंबर सोना, सोना ही आपकी भाववाचक संज्ञा आपकी नहीं है, तो जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ठीक है ना। चलिए चलिए यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया, दूसरा कुछ बोल दिया क्या भाई, क्या दिक्कत है सर, आप दिग्राल बोर्ड लीजिए, डिजिटल बोर्ड लीजिए, अच्छा डिजिटल बोर्ड लीजिए ये बोल रहे हैं। डिजिटल बोर्ड के लिए भाई पैसा भी चाहिए ना, और पैसे तो भाई कहाँ से आएंगे, पैसा जब होंगे तभी तो लिया जाएगा है ना। चलिए किया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, हम तो चाहते हैं डिजिटल बोर्ड में सामने से पढ़ाएं, आनंद ही आनंद आ जाए ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है, सेवन नंबर में क्रोध दिया है, क्रोधित दिया है, क्रोधी दिया, और आपका क्रोध दिया है, जवाब कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा सेवन नंबर में आपका यहाँ पर क्रोध है ना, तो आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, जिसका जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रोध यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सी, तो आपकी यहाँ पर बन जाएगी संज्ञा ठीक है। आगे आते हैं, प्रसाद से अगला पूछा गया है दूध शब्द जो आपका है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, दूध जो आपका है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक में, भाववाचक में, समूहवाचक में, जातिवाचक में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूध को क्या होता है, नापा जाता है, और जो चीज नापी जाती है तौली जाती है वो किस में आती है, तो आपके द्रव्यवाचक में आती है ठीक है। याद रखिएगा आपकी जैसे आपकी गैस होती है ना, गैस होती है, और ये गैस चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, ये भी क्या होती है, नापतौल होती है ना, तो ये भी किस में आती है, आपके द्रव्यवाचक में आपकी आती है ठीक है ना। अगर हम आपसे बोले आपका लोहा दिया है, लोहा, तो लोहा भी क्या होगा, ये भी द्रव्यवाचक में ही आएगा ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा है, यहां पर भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, सेना दिया है, कुंज दिया है, परिवार दिया है, यहां से तो कुछ निकल नहीं रहा है, फिर दिया है यौवन, फिर लोभ, फिर आपका मोह, मतलब यहां पर जो आपका जवाब है आपका कौन सा है, यहां पर आपका बी आपका हो जाएगा, यौवन, लोभ और आपका मोह, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों ये क्या है आपकी भाववाचक संज्ञाएं आपकी है ठीक है ना। चलिए यहां पर साइंस की क्लास कब कराओगे गुरु जी, तो साइंस की भी क्लास जल्दी हो जाएगी ठीक है। अब यहां पर आपकी अगला प्रश्न दिया गया है लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए भाई लड़का किस प्रकार की संज्ञा है, जवाब दीजिए। चलिए तो लड़के के जवाब आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पर लड़का क्या है, तो लड़के की एक जाति होती है, क्या होती है कि एक होता है,
बताइए लड़का एक होता है या बहुत होते हैं? तो भाई लड़के तो आपके यहाँ पर बहुत होते हैं ना, आप वहां पर कह सकते हैं व्यक्तिवाचक थोड़ा बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे क्या जातिवाचक बोलेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका सी, लड़का जो आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समुदायवाचक, कौन सा बनेगा? तो बुढ़ापा आ गया है मतलब यहाँ पर भाव आ गया है ना, तो जवाब क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे आते हैं प्रश्न अगला है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, पेड़ दिया है, मिठास दिया है, सुंदरता दिया है और आपका चतुराई दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा पूछा है ना, और ये बताइए पेड़ बहुत होते हैं कि एक होता है, बहुत होते हैं, जब बहुत होते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो आपका पेड़ है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि अदर यहाँ पर आपके सभी क्या है भाव को दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं प्रश्न से अगला पूछा गया है, सब लोग भाई वीडियो को लाइक करिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी मैराथन क्लास है और मैराथन क्लास आप लोग यहाँ पर डेली आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ नया मिलता ही है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, यही कोचिंग में पढ़ेंगे तो आपको पैसे भी देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दे सकते हैं डेली 50 प्रश्नों का रिवीजन हो रहा है ना, कोचिंग में एसटी कहोगे सर जी को या जीएसटी लीजिए एसटी दीजिए, हो सकता है कोचिंग में आपको एक हफ्ते का और एक महीने बाद एक एसटी होती है, या तो आपको डेली एसटी हो रही है और एक नहीं चार पाँच हो जाती है। चलिए तो देखिए सेना दिया है, दल दिया है, सभा दिया है और कक्षा दिया है, ये जो आपकी संज्ञा है वो आपकी कौन सी संज्ञा है? चलिए भाई तो यहाँ पर जो आप दे रहे हैं कह रहे हैं यहाँ पर आपका समूह है, तो बिल्कुल सही है, सेना में बहुत लोग होते हैं, दल में भी बहुत होते हैं, सभा में होता है और आपके कक्षा में भी, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, समूह वाचक हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद सिला पूछा है शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखो आपका शिक्षक दिया है भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, तो भाई एक एक तो आपके होते नहीं है, है ना, यहाँ पर एक तो होते नहीं है, एसटी क्या होता है मतलब स्पीड टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट बोलते हैं एसटी, ठीक है ना, जो आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो कि सर जी टेस्ट ले लीजिए टेस्ट लीजिए, वैसे एसटी मतलब स्पीड टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, तो जवाब आ चुका है यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है आपका सी नंबर, क्योंकि शिक्षक आपके एक तो होते नहीं है बहुत होते हैं, तो इनमें क्या बोलेंगे जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, जातिवाचक आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम आपसे बोले यहाँ पर बोले प्रधानमंत्री, अगर हम आपसे बोले प्रधानमंत्री, यहाँ पर अगर हमसे बोले क्या, अगर बोले आपका राज्यपाल बोले, है ना, ये सब क्या होंगे, तो इनकी भी क्या होगी यहाँ पर, तो व्यक्तिगत तो आपके होते नहीं है तो सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, प्रशासन अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी शॉर्टकट बोल दिए। चलिए यहाँ पर बताइए ज्यादाति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप बताइए, ज्यादाति क्या दिया है, ज्यादाति दिया है, अब ये बताइए ज्यादाति का भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा, मतलब ये जो आपका ज्यादाति दिया है ना, ये आपको क्या है भाववाचक संज्ञा है, और इसे पूछा है कि आपको विशेषण बताना है, बताइए भाई इसका विशेषण क्या बन जाएगा, इसका विशेषण क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर, तो याद रखिए ज्यादा बनेगा, क्या बनेगा विशेषण हो जाएगा आपका ज्यादा, जो कि जवाब कौन सा आ रहा है ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न से अगला, ज्यादा नहीं होगा बहुवचन नहीं पूछा है, यहाँ पर आपका पूछा विशेषण, ठीक है। अगला प्रश्न से पूछा है ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए लाइक शेयर बढ़ाते रहिए भाई आप लोग, लाइक शेयर बढ़ाइए, बहुत कम लाइक करते हैं आप लोग, लाइक शेयर की संख्या तो बढ़ा दीजिए, रेगुलर वाले आप लोग तो परम शिष्य हैं, है कि नहीं, आप लोग तो परम शिष्य हैं, बेचारे ऑफलाइन वालों को टाइम नहीं मिलता है, हमको लगता है सबसे बेस्ट तो वही होते हैं, है आप लोग ना कटा देते हैं, लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए ग्रामीण का संज्ञा रूप पूछा है और आपका जवाब आ रहा है 16 का ऑप्शन आपका बी, तो याद रखिए ग्रामीण का जो संज्ञा रूप होता है क्या होता है, ग्राम होता है, क्या होता है, ग्राम होता है, याद रखिएगा, इसमें गलती काफी हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव सगरा है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, भाववाचक संज्ञा शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, कह रहे हैं 17 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो आपका दिया गया लालिमा, लालिमा क्या है, तो आपके यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लालिमा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रसाद सगरा है नदी संज्ञा कौन सा रूप आपका भेद है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है, ये बताइए नदी एक होती है कि बहुत होती है, नदी एक होती है बहुत होती है, तो आप तो यही कहोगे ना नदियां बहुत होती हैं, पर्सनल नदी की तो बात किया नहीं गया है, तो यहां पर नदियां किस में आ जाएंगी, तो आपकी जातिवाचक संज्ञा में आएंगी, ऑप्शन ए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न को आते हैं, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप कहोगे ना कि यमुना एक होती है, जब यमुना एक होती है तब क्या बोलोगे कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी एक पर्सनल की बात की जाए वो आपका व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत होता है, लेकिन जब बहुत हो ढेर सारे हो तो वहां पर जाति में आ जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, प्रसाद सिला पूछा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, मिठास, मिठाई, मीठी और आपका मीठा, तो यहां पर देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा बनेगा ए नंबर, मिठास जो आपका है वो आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आएगा,
और देखो कक्षा दिया है ना, और कक्षा में बताइए कितने लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, और वहां पर सब एक जैसे ही होते हैं। जब एक जैसे होते हैं तो क्या बोलेंगे भाई, वहां पर यही बोलेंगे ना समूहवाचक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समूहवाचक बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, क्या बन जाएगा समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। कक्षा शब्द पूछा है संज्ञा के भेदों के अनुसार, संज्ञा के भेदों के अनुसार, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आपका समूहवाचक हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न, आपसे अगला पूछा गया है समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। समिति बताइए, समित यहाँ पर दिया क्या, समिति दिया है, और समित बताइए समित भाववाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा, या समूहवाचक में आएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, चलिए डी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि समिति में क्या होते हैं बहुत लोग होते हैं, और इसमें से जब बहुत लोग होंगे तो यहाँ पर बोलेंगे क्या समूहवाचक संज्ञा आपकी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है, मतलब आपसे पूछा है कावेरी, अब ये बताइए जो कावेरी है तो संज्ञा लेकिन किसके अंतर्गत आएगी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या समूहवाचक। तो आप यही बोलोगे ना कावेरी तो एक ही होती है ना, कावेरी एक नदी आपकी है, और ये कावेरी जब एक नदी है तो आप क्या बोलोगे व्यक्तिगत बोलोगे, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, पुरुष दिया है, छत्री दिया है, प्रभु दिया, और आपका बंधुत्व दिया है। आंसर आपको मिल चुका होगा ऑप्शन डी, यहां पर जो बंधुत्व है ये आपके भाव को दर्शा रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कह रहा होली, देखो होली तो आपके है ना, होली तो भाई एक ही होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि जब चाहो तब ही होली मना लो, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर आपकी होली आपकी एक आपकी हो गई, फिर आपका पूर्व दिया है, पूरब भी आपका एक होता है, हिमालय भी आपका एक होगा, लेकिन कौवा तो बहुत होते हैं ना, मतलब यहाँ पर कौवा की क्या होती है, ये आपकी जातिवाचक में आएगा, किस में आएगा जातिवाचक में आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, चलिए अच्छा प्रश्न आपका मिल चुका है, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है, अभी और भी कठिन प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो देखो सूर्य की भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है तो आपका बनेगा क्या, भाव के हिसाब से पूछा है तो आपका सौर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा सौर्य हो जाएगा। डी को मत दीजिएगा, डी को जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीरता दिया है, यहाँ पर भाई वीरता क्या दिया है क्या, तो सूर्य वीर तो दिया नहीं है, अगर सूर्य वीर दिया होता तो हम लोग सूर्य वीरता को लगाते, लेकिन दिया है सूर्य, तो सूर्य को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर सौर्य बोलेंगे, ठीक है ना। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डी मत लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला पूछा गया है मना की भाववाचक संज्ञा क्या है, मना, मना का भाववाचक क्या होता है, मन होता है, मानस होता है, मना ही होता है, या मनसा होता है, क्या होता है, तो याद रखिए मना की भाववाचक संज्ञा होती है मना ही, क्या होता है मना ही, मतलब क्या मना बोलते हैं ना, अगर हम आपसे बोले आप खाना खाओगे तो आप बोलोगे नहीं, है ना, मतलब मना ही, आपने मना कर दिया उसी बोलते हैं मना ही बोल देते, ये आपको भाव को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया गया है, देखिए प्रश्न को पढ़िए, नहीं गलती हो सकती है इस प्रश्न में। देखो दिया है निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, कह रहा है वह इनमें से एक को जानता है, वह इनमें से एक को जानता है। तो यहाँ पर हम लोग पूछा गया है संज्ञा के रूप में प्रयोग जो हुआ है वो आपका कौन सा हुआ है, तो यहाँ पर देखो संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है, यहाँ पर जो आपका है संज्ञा कौन सी है, यहाँ पर संज्ञा कौन सी हो जाएगी, तो देखो एक हो जाएगी इसमें से आपका, ये हो जाएगा। अदर जो आपके हैं वो आपके क्या है, सो आपके सर्वनाम है ना, ये जो आपका है, ये जो आपके क्या है, तो आपके सर्वनाम में आएगा, लेकिन ये जो आपकी हो जाएगी वो आपकी संज्ञा में आएगी, ठीक है। इस कारण से इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, लॉजिक वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको मिल गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है, अब आपसे पूछा गया क्रियार्थक, मतलब वो क्रिया को बता रहा होगा, क्रिया को बता रहा होगा, कह रहा है मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। अब यहाँ पर देखो दिया गया क्रिया, और क्रिया कहाँ पर है, तो यहाँ पर ठहरना है ना, स्टॉप ही तो क्या होती है ना, ये तो क्रिया होगी ना, तो जवाब क्या हो जाएगा डी नंबर, ठहरना जो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे आते हैं, प्रश्न अगला पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की कौन सी संज्ञा को दर्शाता है, चलिए यहाँ पर आपको दिया गया चंद्रगुप्त, अब ये बताइए कि जो चंद्रगुप्त है वो आपका किस में होगा, भाववाचक में, क्रियार्थक में, व्यक्तिवाचक में, या जातिवाचक में, जवाब क्या होगा यहां पर, 30 नंबर का जवाब क्या बनेगा, चलिए यहां पर जवाब क्या बनेगा, व्यक्तिवाचक होगा, या यहां पर आपका जातिवाचक। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा लॉजिक वाला है, अगर आप सोच के देखेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, तो कुछ लोग यहाँ पर डी बताएंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सी भी बता सकते हैं। लेकिन ये बताइए चंद्रगुप्त ना फर्स्ट दिया है, ना चंद्रगुप्त सेकंड दिया है ना, ना चंद्रगुप्त तृतीय दिया है, ना कुछ दिया है। इस कारण से यहाँ पर जो चंद्रगुप्त है वो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा जातिवाचक होगा, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है, क्या बनेगा डी नंबर। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रगुप्त की अगर बोलता कि चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड कौन सा है, पर्सनल की बात
जाता तब हम लोग यहाँ पर पर्सनल की बात में कर जाते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों में से कौन सा आपका है। चलिए देखो, हमने पॉइंट आपको बता दिया, क्या बताया है हमने, बताया अगर सिर्फ एक बार की बात करता, एक की बात करता तो हम लोग व्यक्ति क्या करते, लेकिन चंद्रगुप्त तो पहले भी हैं, चंद्रगुप्त तो आपके सेकंड हैं, है ना, इस कारण से समझ गए होंगे। आगे आते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया अव्ययों के साथ जो बनाए जाते हैं क्या होते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए फिर से, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों के साथ जो बनाए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर, मतलब उनसे बनती है भाववाचक संज्ञा। क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है, याद रखिए क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है, इनसे क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। हमने टेस्ट पेपर में आपको सॉल्व भी कराया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा से किस रूप में किससे परिवर्तन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर गांधी है, फिर यहाँ पर आपका क्या है, राष्ट्रपिता है। तो यहाँ पर देखो गांधी जी आपके एक है थे, बहुत गांधी नहीं कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको दिया है भाववाचक संज्ञा। अब ये बताइए भाववाचक संज्ञा कहाँ पर है, ये वाले ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में, इसका मतलब आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा में ये आपका हो रहा है, है ना, किसमें हो रहा है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा में आपका हो रहा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा आपकी मिल गई है, ठीक है ना। आगे आते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान आपको भरना है। चलिए यहां पर बताइए कि जो आपके यहां पर नहीं है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। चलिए तो जवाब यहां पर आ चुके हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है, यहां पर कौन सा हो जाएगा, 34 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका दिया गया निम्न से भाववाचक संज्ञा नहीं है, अमीरी है, सुंदरता है, करुणा है, लेकिन यहाँ पर कमल आपके भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव अगला है, फिसलन जो आपकी है वो क्या है, फिसलन क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, क्रियापद है, या आपका विशेषण हो जाएगा, क्या बनेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 35 को, ऑप्शन आपका ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है, क्या आपकी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव अगला है, भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार आपके होते हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है, मतलब कितने प्रकार की आपकी बन सकती है, कितने प्रकार से बन सकती है, तो आपकी तीन प्रकार आपकी किससे, तो अच्छा यहाँ पर कौन सा है आपका, ये, तो यहाँ पर देखिए किस किस से बनती है, आपके पांच प्रकार से, ठीक है, पांच प्रकार, मतलब जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। अब इसके पहले आपका प्रश्न आया भी था, है ना, तो यहाँ पर याद रखिए इतने प्रकार से आपकी बन सकती है भाववाचक संज्ञा, इनमें से भाव आपको लगा देंगे तो आपकी बन जाएगी। आगे आते हैं, प्रस्ताव अगला पूछा गया है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखो हिमालय एक है या बहुत है, हिमालय एक है या बहुत है, तो आप यही कहोगे ना कि हिमालय तो आपका एक ही है, और जब हिमालय एक है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, ऑप्शन बनेगा सी, यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्या बनेगा, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव अगला है, लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का कौन सी संज्ञा है। तो आप ये बताइए लड़का एक होता है या बहुत होता है, तो आप तो यह कहोगे ना कि लड़के तो बहुत होते हैं, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपकी जाति में आएगा, है ना, लड़के की क्या होती है, जाति होती है, इसको सब जात में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव अगला है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कह रहे हैं मोहन, लड़का, बीमारी और दिल्ली। तो जवाब आपको मिल चुका है, कौन सा है, 39 का ऑप्शन सी, जो बीमारी है वो क्या है, तो आपकी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव अगला है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं। चलिए व्युत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर आ रहे हैं आपके तीन। चलिए तो यहाँ पर याद रखिए आपके तीन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है, यहाँ पर याद रखिए तीन भेद आपके माने गए हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और आपका योग रूढ़ संज्ञा। पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, रूढ़ संज्ञा होता है जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते हैं, मतलब नाक है तो नाक को अगर हम काटना चाहें तो आपका अर्थ नहीं निकलेगा, खंडन भी कर लें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वहीं पर योगिक क्या होती है, विद्यालय, ये भी संज्ञा है, मतलब इनको अलग अलग कर सकते हैं, विद्या धनालय, ठीक है ना। वहीं पर योग रूढ़ होता है जो कि आपका जलज है, पंकज है, दशानन है, ठीक है ना, ये पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आ जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रसाद अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमिलित करना है। अब यहाँ पर बताइए कि किस प्रकार से कौन सी आपकी क्या संज्ञा यहाँ पर आपकी दी गई है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ जाएंगे, जिसके माध्यम से आप आसानी से यहाँ पर आप सही कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर बताइए पानी, जो आपका पानी है वो आपकी कैसी है,
पानी जो आपकी वो कैसी आपकी है, तो यहाँ पर कह सकते हैं पानी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप देखा जाएगी कौन सी, तो आपका कुंजी, कुंज, अच्छा कुंज जो दिया है कुंज, ये आपकी समूहवाचक में आती है, ठीक है ना। इसका आपका जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। जुलाई बताइए एक होती है बहुत होती है, जुलाई एक होती है बहुत होती है, तो आप कहोगे कि जुलाई जो आपकी होती है वो आपकी एक ही होती है ना, तो यहाँ पर आपका फोर हो जाएगा। और इसके बाद डी आपका जो दिया है मैना, मैना एक चिड़िया है जो कि आपकी जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। मतलब दो एक चार तीन, दो एक चार तीन ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न शिला पूछा गया है, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, चलिए तो आपका हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न शिला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे प्रयास आपका, अच्छा है, लाइक शेयर करते रहिए भाई, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करते रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया है शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं शब्द दिया है ना, नहीं शब्द, तो देखो भीड़ क्या होती है, बहुत होती है, मतलब समूह होगी, कक्षा में आपके समूह होते हैं, है ना, सभा आपकी होती है, समूह होती है, मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब है दौड़, दौड़ ये आपकी किस में है, तो आपकी आपके समूहवाचक में नहीं होगी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है, और द्रव्यवाचक पूछा है तो आप जवाब तुरंत दे सकते हैं, दूध दिया है, खटाई दिया है, ठंड दिया है, और आपका मिठास दिया है, तो यहाँ पर देखो द्रव्यवाचक कौन सी हो जाएगी, द्रव्यवाचक कौन हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर दूध ही तो होगा ना, तो जवाब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय क्या है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या जातिवाचक है, तो भाई गाय एक होती है बहुत होती है, और या एक ही जैसी, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखो गाय की क्या होती है, आपकी जाति होती है, जो कि ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर, जातिवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है, यहाँ पर बताइए कि कौन सी आपकी संज्ञा है, नियमित दिया है, पाश्चात्य दिया है, अनुशासन दिया है, आसमानी दिया है, चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया है निम्नलिखित विशेषणों से संज्ञा, है ना, विशेषणों से संज्ञा पूछा है, तो आपका ऑप्शन बनेगा सी, अनुशासन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अनुशासन हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, जैसे आपका अनुशासित होता है, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा सी, अनुशासन, क्योंकि विशेषण से पूछा है संज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द में से बताइए ये संज्ञा शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दिया है सभा दिया है, गहरा दिया है, हरा दिया है, और आपका पतला दिया है, अब आप समझ गए होंगे, अगर आपने विशेषण पढ़ा होगा तो समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि गहरा जो आपका दिया है, हरा दिया है, पतला दिया है, ये एक प्रकार की क्या है, आपकी विशेषण है, लेकिन यहाँ पर जो आपका सभा है ये आपका क्या है, तो आपकी संज्ञा हो जाएगी, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद आपको बताना है, पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, तो ये बताइए पशु आपके एक होते हैं बहुत होते हैं, तो क्या कहोगे कि पशु तो सर बहुत होते हैं, और जब बहुत होते हैं तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे आपकी जातिवाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बताइए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी हो जाएगी, चलिए यहाँ पर 48 नंबर आपको देना है, अचूक मतलब क्या होता है, इस विशेषण के साथ अगर संज्ञा बोलेंगे तो बन जाएगा निशाना, क्या हो जाएगा, निशाना आपका जवाब हो जाएगा, आपने देखा भी होगा कि निशाना चूक गया वरना आम तो नीचे आ ही जाता है ना, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे आते हैं, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बाप का संबंध पूछा गया है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप ये बताइए बाप का यहाँ पर संबंधवाचक संज्ञा बनेगी, क्या बनेगी, तो यहाँ पर बन सकती है आपकी कौन सी, बपौती, क्या बनती है, बपौती बनती है, याद रखिएगा क्या बनती है, बपौती बनती है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से संज्ञा शब्द आपकी कौन सी है, संज्ञा शब्द इनमें से बताइए कि संज्ञा शब्द आपकी कौन सी हो जाएगी, नीला दिया है, मोटा दिया है, गंगा दिया है, और आपका पुराना दिया है, तो यहाँ पर देखो नीला आपका विशेषण है, मोटा भी विशेषण है, पुराना भी विशेषण है ना, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है कौन सा, तो आपका गंगा जो दिया है वो आपका क्या है, आपकी संज्ञा है, जो कि कैसी संज्ञा है, तो एक ही तो आपकी गंगा है ना, इस कारण से बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, चलिए डायरेक्ट आपको परिभाषा आ गया है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, ये परिभाषा है, इसी तरह से आपको याद करना है, तो एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की जब बोध होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तब उसे जातिवाचक कहते हैं, क्या बोलते हैं, जातिवाचक बोलते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, कि एक ही प्रकार की वस्तुओं हो, है ना, तो उसे हम लोग जातिवाचक में आएंगे, या व्यक्तियों का बोध होता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जो एक समान होंगे, ठीक है, एक ही प्रकार के होंगे। आगे आते हैं, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है, यहाँ पर ये बताइए जो आपका स्वतंत्रता है वो आपकी किस में आएगी, गुणवाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा, भाववाचक में आएगा, या इनमें से कोई नहीं, जवाब क्या बनेगा,
चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है जो कि ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर, स्वतंत्रता जो आपकी है कैसी है तो आपकी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्न, आपसे अगला है जातिवाचक संज्ञा शब्द बताइए, जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, रसीला, वकील, कामायनी, राम, बताइए। यहाँ पर जो जातिवाचक में क्या है, रसीला दिया तो भाव हो जाएगा, वकील है, कामायनी तो आपकी एक है, राम भी यहाँ पर आपके हो जाएंगे एक में, मतलब आपका जो वकील है वकील की क्या होती है, जाति होती है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्न, आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा आपके हैं, बताइए भाववाचक संज्ञा जो आपके हैं वो आपके किस में है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। यहाँ पर आपका अगला है अमीर, गरीब, समूह, मिठास, तो यहाँ पर आपका गरीब दिया है ना, इसका मतलब है कि जो जवाब है पहला ही मिल गया है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी क्या हैं तो आपकी भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से इस विकल्प में सभी शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए कि कौन से ऑप्शन में सभी आपके क्या हैं आपके व्यक्तिवाचक हैं, चलिए यहाँ पर लखनऊ दिया है, लखनऊ ठीक है, आम दिया है, फिर आपका बुढ़ापा दिया है तो ये तो आपका होगा नहीं है, फिर राम दिया है, रामचरितमानस दिया है, फिर गंगा दिया है ना, तो कह सकते हो सर इसमें जो आपकी हैं वो आपकी कह सकते हैं व्यक्तिगत आपकी हैं और एक एक ही है, एक ही है, इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, आप बताइए कि राज्यपाल में कौन सी होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगा, समूहवाचक हो जाएगा या व्यक्तिवाचक हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है 56 नंबर में, तो देखो 56 नंबर में ये नहीं कहा गया है कि कौन से राज्यपाल, इसका मतलब है कि जब एक ही जैसे आपके होते हैं वहां पर आपकी होती है क्या जातिवाचक होगी, जवाब क्या बनेगा ए नंबर, जातिवाचक संज्ञा आपकी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक कब बोल सकते थे, जब बोलते कि उत्तर प्रदेश की जो आपकी राज्यपाल है वो आपकी आनंदीबेन पटेल है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयोग करते क्या व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जवाब जो पूछा गया है ऑप्शन का ये हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्न, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर बताइए कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है, लड़का, पेड़, मित्रता, भारत, जवाब आपको मिल चुका होगा क्योंकि यहाँ पर भाव पूछा है और भाव जो आपको बरसा रहा है वो ऑप्शन सी में दिया है, मित्रता आपका जवाब सही हो जाएगा। क्लियर हो गया सब लोग, भाई वीडियो के लाइक करते रहिए, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करते रहिए, आपको आनंद भी आ रहा होगा, कुछ ज्ञान भी मिल रहा होगा। ठीक है ना, और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चनों का रिविजन करा रहे हैं ना, ये अगर अदर जगह होता फ्रंट में होते तो इतने क्वेश्चनों में आप समझ सकते हैं कितना समय लग सकता था। ठीक है ना, टाइम लॉस हमारे डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवाब तो आपको मिल ही चुका होगा है ना, जवाब तो आपको मिल चुका है क्योंकि जवान है, बालक है, मनुष्य है, मतलब आपको जो जवाब है ए नंबर सुंदर, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा में नहीं है, ये तो आपके भाव में होता है ना, कौन सा सुंदर है, कौन गोरा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, गरीबों की सहायता करो, इसमें पूछा है गरीब शब्द क्या है, जातिवाचक है, विशेषण है, भाववाचक है या विशेष बनेगा, जवाब क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, गरीबों, अगर इसकी बात करता तो हम भाव की करते, लेकिन पूछा गया है गरीब की, और गरीब की क्या बोलेंगे तो आपकी जाति बोलेंगे, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा ए नंबर जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए, अब आ गया है बुढ़ापा, तो भाई अब बुढ़ापा दिया है तो आप क्या बोलोगे, बुढ़ापा बोलोगे क्या, ये भाववाचक संज्ञा है, कैसी है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, अगला है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, लड़का जो है वो किस संज्ञा का है, तो भाई लड़का जो आपकी है, लड़के तो बहुत होते हैं ना, कुल मिला के देखा जाए तो इसकी क्या होती है जाति होती है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर जातिवाचक संज्ञा आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, बताइए भाई कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे प्रश्नों को नोट करिया करिए जो आपको दिक्कत करे, है ना। चलिए 62 का जवाब यहाँ पर है आपका हो जाए कौन सा, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो आपकी संज्ञा के लिए, किसके लिए संज्ञा के लिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा डी हो जाएगा, संज्ञा के लिए होते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, चलिए क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप बदलते हैं, देखो क्रिया में तो बदली जाता है ना, क्रिया में तो बदली जाता है, लेकिन पूछा है कि इसके अलावा संज्ञा की कौन से होती है जिनका हम लोग रूप परिवर्तित कर सकते हैं, ये कर सकते हैं किसका, तो आपके कारक का, ठीक है किससे, तो आपके कारक का, 63 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, अगला है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, ये बताइए कौवा है, कौवा है ना, इसका अगर लिंग निर्धारण किया जाए तो आप क्या जवाब दोगे, किस प्रकार से इसका परिवर्तन कर सकते हो,
चलिए 64 नंबर जवाब दीजिए। कह रहा है कौवा के अंत में ई लगाते हैं, फिर कह रहा है कौवा के अंत में अनी लगाते हैं, फिर कह रहा है कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर याद रखिए किसका प्रयोग करते हैं, मादा का प्रयोग करते हैं, है ना, नर का मादा का इस प्रकार से प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं जो कि जवाब सबका ऑप्शन। देखो यहाँ पर दिया गया है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो क्या जवाब देंगे यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर पुरलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, आपका उभयलिंग, सबका जवाब यहाँ पर 66 का आपका सी आ रहा है। भैया सी आ रहा है, ये क्या होता है भैया, सी नंबर आपके दे रहे हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर सी नंबर आपका नपुंसक कैसे होगा। चलिए हम आपको बताते हैं, हम आपको ये बताते हैं जैसे कि आपका होता है जैसे का, है ना, का जो आपका क्या होगा इसे पुल्लिंग कहोगे, है ना, खा जो आपका होगा पुल्लिंग कहोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आपसे बोलें ऋषि बताइए, कौन सा ऋषि, जो आपका ऋषि है वो क्या होता है, ये स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। वहीं पर जो आपका दिया है कौन सा आपका छोटी होती है, बड़ी होती है, तो याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में छोटी, बड़ी और ऋषि ये आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, बाकी जो सभी होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो जवाब क्या बनेगा, ए नंबर यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, क्या बनेगा पुल्लिंग हो जाएगा, याद रखिएगा, गलती मत करिए। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, मतलब पूछा गया है कि पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, मतलब यहां पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन, यहां पर देखो भेड़ दिया है, भेड़, भेड़ में यहां पर यह प्रत्यय लगा दिया तो बन गया भेड़ा, क्या बन गया भेड़ा, तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यहां पर सी नंबर, ठीक है ना, मर्दानी मर्दाना नहीं होता है, ठीक है ना, मर्दानगी। चलिए अगला प्रश्न दिया है, हिंदी में कितने वचन होते हैं, चलिए यहाँ पर बताइए 2020 तक के क्वेश्चन आपके देख सकते हैं, 2020 तक के क्वेश्चन आपके हैं, है ना। चलिए तो बताइए भाई हिंदी में जो वचन होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, पाँच होते हैं, कितने होते हैं। चलिए 68 का जवाब आपका आ गया है ए नंबर, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका ए हो जाएगा दो होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन, ठीक है, तीन मत बताइएगा वो तो संस्कृत में होते हैं। आगे आते हैं प्रश्न साफ, अगला है मैं चलती थी में मैं का बहुवचन रूप क्या होगा, मैं का बहुवचन पूछा है, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, 69 का जवाब कौन सा बनेगा। चलिए तो मैं का यहाँ पर हो जाएगा क्या हम, है ना, क्या बनेगा हम हो जाएगा, हम जो आपका है ये मैं का बहुवचन रूप बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न साफ, अगला है इकरांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। चलिए अभी बहुत बहुत सरल पढ़ रहे थे ना, और ये प्रश्न को नहीं पढ़ोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, फिर आज का टेस्ट लगाने और लगाने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। चलिए तो देखो वो सरल प्रश्न थे, अब कठिन प्रश्न आपको मिलेंगे थोड़ा सा। कह रहा है इकरांत संज्ञा, इकरांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। तो यहाँ पर 70 ऑप्शन आपका आ रहा है, किसी का ए नंबर, किसी का सी नंबर। याद रखिएगा कि यहाँ पर ई को हस्व स्वर के अंतिम स्वर में या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, या लगाते हैं। इसका जो जवाब बनेगा 70 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसका सी बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव शिला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। समझिए इस प्रश्न को भी, इस प्रश्न को समझिए, 2020 में पूछे गए आपके प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 2020 के लेवल का पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। कह रहे हैं हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से जो भाषा का प्रयोग करेंगे, उनमें प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, वो आपके उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, किसका, उर्दू का ही करते हैं। तो यहाँ पर जो जवाब बनेगा 71 का ऑप्शन डी ही आपका सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए कन्फ्यूज करने के लिए ये घुमाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। हट जो आपका है, मतलब दिया है कोई अगर भाववाचक संज्ञा है उसके अंत में अगर हट लगा है तो उसका लिंग क्या होगा, वो पुरलिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक होगा या उभयलिंग होगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो सकता है, किसी का जवाब डी आ रहा है। चलिए किसी का डी आ रहा है तो समझिए, यहाँ पर जैसे हमने आपको बता दिया घबराहट, क्या बोल देते हैं आपको घबराहट, राहट। अब ये बताइए घबराहट कैसी है, क्या बोलोगे घबराहट कैसी है, मतलब यहाँ पर जो जवाब है वो आपको क्या बनेगा, ये होती है आपकी कौन सी स्त्रीलिंग, क्या होती है स्त्रीलिंग। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा बी घबराहट, मतलब ये कैसी है, घबराहट कैसी है, तो आप बोलोगे ना कि ये स्त्रीलिंग आपकी हो गई, तो जवाब कौन सा हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं ए नंबर, समझिए हमारी बात, हमने बताया घबराहट, घबराहट ये बताइए घबराहट आपकी पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है। आपसे बोले तो कैसा और कैसे सेंसर निकालिए ना, कैसी है तो आप बोलो घबराहट कैसा है, ये नहीं बोलोगे ना, बोलोगे घबराहट कैसी है भाई, तो बोलोगे ना कि स्त्रीलिंग होगी। उम्मीद है आप समझ गया है, है ना, ज्यादा समझेंगे तो फिर आपको बेकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुरलिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, सही जवाब कौन सा हो जाएगा,
कह रहा है पुरलिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। तो भाई यहाँ पर काला का काली हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई उसमें पूछने वाली बात नहीं है। काला का बन जाएगा काली और ये बन गया विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला पूछा गया है, कह रहा है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। कव्वाली में जो लिंग है वो आपका कौन सा लिंग है। चले कव्वाली कैसी है, क्या बोलते हो कव्वाली कैसी है, ये तो बोलते हो ना, ये तो बोलोगे ना। डी नंबर तो होगा नहीं, इसका जो ऑप्शन बनेगा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर 74 का जवाब आ रहा है बी नंबर, किसी का डी भी आ रहा है, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो कव्वाली कैसी है, अपने मन से समझिए। अभी भी जो लोग नए हैं तो उनको बता दें ट्रिक से कैसे निकालते हैं। हमने बताया कि कैसा आपके सामने दो आपको पॉइंट देते हैं, कैसा और एक देते हैं आपकी कैसी, है ना, कैसा और आपका कैसा कैसी। अब ये बताइए हम अगर आपसे बोलें रोटी, रोटी कैसी है, यही तो बोलते हो ना, रोटी कैसा है आप बोलते हो क्या। अगर कैसा से होता तो हम पुल्लिंग बोलते हैं, लेकिन निकला कैसा है, रोटी कैसी है, कैसी से निकला मतलब आपका स्त्रीलिंग। अब ये समझिए यहाँ पर कव्वाली कैसा है नहीं बोलोगे ना, बोलोगे कव्वाली कैसा है, तो आप समझ गए होंगे इस ट्रिक के माध्यम से निकाला जाता है। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर कव्वाली क्या है, बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है, मन को भाने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, ठीक है, जो नए लोग हैं उनको समझा रहे थे, पुराने लोग तो बस यही कहेंगे सर जी आगे बढ़ो। चलिए यहाँ पर दिया है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें से कौन सा लिंग होता है। चलिए यहां पर पूछा गया है स्त्रीत्व मतलब कह सकते हैं स्त्री जाति का बोध होता है, तो वहां पर जवाब कौन सा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कौन सा, बी स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि स्त्री के बात हुआ तो स्त्रीलिंग होगा, और कोई तो हो नहीं सकता है। बी नंबर आपका जवाब यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिग्ला पूछा गया है अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। यहां पर जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। चलिए देखो स्त्रीलिंग दिया है ना, स्त्रीलिंग दिया है, बस यहीं पर आंसर आपको मिल गया क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी। यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग किया जाता है, 76 का ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप हो जाएगा। देखो आपका दिया गया है उर्दू, उर्दू शब्द जो आपका सौदा है ना कैसा है, यह आपका उर्दू है, और पूछा गया है कि इसका बहुवचन में क्या हो जाएगा, बहुवचन में, बहुवचन में क्या हो जाएगा, तो दिया गया है उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। कह रहा है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो देखो ये बताइए सौदा का सौदी कर दोगे क्या, सौदा को सौदी कर दोगे क्या, ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं सौदा सौदा ही होता है ना, सौदिया नहीं पहुंच जाएंगे, मतलब आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर 77 का ऑप्शन बनेगा बी, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव शिला पूछा गया है, कह रहा है से अलगाव, किसी किसी किताब में आपको गड़बड़ भी दिया है, एक गंगा प्रकाशन है, गंगा प्रकाशन, उसमें काफ़ी गलतियां मिलती हैं, ज्ञान गंगा जो प्रकाशन है उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। जो लोग उस टेस्ट पेपर को लगा रहे हों, है ना, क्योंकि टेट वाले, यूपी टेट वाले, सुपर टेट वाले हैं ना, वो लोग ज्ञान गंगा प्रकाशन संस्कृत पर पढ़ते होंगी, उसकी ऑब्जेक्टिव हिंदी भी आती है, तो उसमें याद रखिए काफ़ी गलतियां हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी गलतियां हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए अच्छे से लगाइएगा, लेकिन गलतियां भी उसमें काफ़ी हद तक हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, से अलगाव किस विभक्ति का बोध आपका चिन्ह दिया है, तो अलग है तो आपका अलग कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी अपादान हो जाएगा। ठीक है, अपादान। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव अगला है, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन का लिंग निर्धारण पूछा है, और तन शब्द का लिंग निर्धारण क्या हो जाएगा, 79 का हो जाएगा, ये पुरलिंग होता है। क्या होता है, पुरलिंग। तन कैसा है, तन कैसा है कहते हैं सुंदर है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, पुरलिंग हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रसाद शिला पूछा गया है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। चलिए उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, ये प्रकार हो जाएगा किसमें, तो आपके पुरुषवाचक का है। किसका है, पुरुषवाचक का होता है, जिसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला वो आपका कौन सा है, 81 नंबर में। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है प्राण दिया है, प्रत्येक दिया है, और आंसू दिया है, और कच्छा दिया है। ये प्रश्न भी अभी आपको मिला था ना, ये प्रश्न भी आपको मिला था, सेम टू सेम मिला था। यहाँ पर देखो जो प्रत्येक दिया है, प्रत्येक जो दिया है ये सदा एक वचन में प्रयोग होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव अगला है कि कथा का बहुवचन क्या होगा, कथा का बहुवचन इनमें से कौन सा हो जाएगा, जवाब देना है 82 नंबर में। चलिए भाई 82 का जवाब आ रहे हैं, तो चलिए हम आपके लॉक करते हैं इस ऑप्शन को। कथा का कथाएं होता है, क्या होता है, कथाएं होता है, ऑप्शन बने आपका सी नंबर, कथाएं आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ पर 83 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा, 83 नंबर में। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया है प्रभाव कैसा है, निर्माण कैसा है, विवाह कैसा है, भाषा कैसा नहीं बोलते हैं, भाषा कैसी है, भाषा कैसी है, तो बोलो विभाषा तो बहुत अच्छी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषा आपकी कैसी है, स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यहाँ पर बताइए कि कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, यहाँ पर 84 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 84 नंबर में। ठीक है,
जो लोग पहली बार आए उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और पूरी तरीके से यहाँ पर हिंदी आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है ना, और फ्री आपकी पूरी तरीके से होगी। यहाँ पर जितने नंबर का पेपर आता है पूरे पूरे नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, एक दो दोस्तों को जरूर लाइएगा, ठीक है। अरे अपने दुश्मनों को मत लाइएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि कंपटीशन के जो भी होते हैं, कंपटीशन के जो भी बच्चा होता है, वो अगर आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है, ये सीट है और इस सीट में अगर चार लोग बैठे हैं, तो ये देखिए समझिए कि आपका दुश्मन ही है ना। क्यों? क्योंकि ये भी आपका कंपटीशन कर रहा है ना। जो आप आ जाएगा तो आपकी तरफ देखेगा नहीं, तो सबको समझो अपना दुश्मन, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। जो नहीं दिन जो नौकरी पा जाएगा वो आपको छोड़कर चला जाएगा, है ना। तो याद रखिए, वो हमेशा दुश्मन समझकर उससे बात किया करो, ठीक है, दोस्त मत समझा करो। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर देखो 84 का जवाब आ चुका है डी नंबर। देखो घटना कैसी है, लज्जा कैसी है, प्रार्थना कैसी है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, संकल्प, डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। अच्छा कितने लोग दुश्मन समझेंगे यहाँ से ये बताइए, इतने लोगों में अपने अपने दोस्त को दुश्मन कौन समझेगा इतने दिनों में, सिर्फ आपको यहाँ पर कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन तो आपके कर रहे होंगे ना, ये बताइए कोई कोई अपने दोस्त को दुश्मन समझेगा कि नहीं समझेगा, समझेगा कौन कौन समझेगा, जल्दी से बता दीजिए, समझोगे? चलिए समझोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो भी आपको दुश्मन बनेगा। चलिए तो यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। 85 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, वर्षा कैसी है, और आपका रात कैसी है, दीमक कैसी है, विधुर कैसा है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, विधुर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न लिंग से संबंधित आपका है। चलिए यहाँ पर लिंग से संबंधित है, तो देखते हैं कि क्या इसकी समस्या है और इस समस्या को समाधान यहाँ पर करते हैं। तो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि अक्रांत तथा आक्रांत, ठीक है, अक्रांत और आक्रांत पुल्लिंग शब्दों को इकरांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। अगला दिया है कि जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं इनका और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनते हैं, ये भी आपका सही है, मतलब पहला सही है दूसरा सही है, तो आपके पास ऑप्शन कौन है, सी नंबर, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपका आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, अब क्लास में सब आपस में झगड़ा मत करने लगता कि आप हमारे दुश्मन हो और हमारे आपसे बोले ना, तो ऐसा मत करियो, है ना। चलो लेकिन दुश्मन की निगाह से देखना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, 87 नंबर में। चलिए तो घटना कैसी आपका हो गया, अच्छा कहाँ थे हम लोग, फिर से क्वेश्चन आ गया, क्या रिपीट हो गया, शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं जल्दी से मार देते हैं। यहाँ पर जो आपका क्षेत्र है, हाँ क्षेत्र आ गया, नया है, कोई दिक्कत नहीं है। घटना कैसी है, क्षमा कैसी है, रीति, मतलब ऑप्शन डी क्षेत्र कैसा है ना, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला है निम्न से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, 88 नंबर में। तो यहाँ पर 88 नंबर में आपका है गरिमा कैसी है, गरिमा कैसी है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, गरिमा, है ना, गरिमा हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है निम्न में से अधिकरण कारक का परिसर कौन सा है, अधिकरण कारक का परिसर इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, अधिकरण में मय पर, क्या होता है, अधिकरण में पर होता है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा बी, यहाँ पर आपका पर हो जाएगा, ठीक है। और अगला दिया गया है माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ पर बताइए ये जो आपका है के लिए किसमें होता है, के लिए का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, सही जवाब इनमें से कौन सा आपका बन जाएगा, बताइए भाई यहाँ पर जो दिया है वो आपका है क्या। चलिए तो भाई आज की क्लास हम लोग डेली प्रयास किया करिए, रात 8:30 बजे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 100% सफलता मिलेगी। इतने क्वेश्चन करा देंगे, इतने क्वेश्चन आपको करा देंगे एग्जाम से पहले कि आपको हिंदी में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस कभी भी रिवीजन करना हो तो देव जी के ट्रिक में आ जाइएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। डेली 2 से 3 क्वेश्चन क्लासें आपकी हिंदी चलती रहती हैं, ठीक है।